अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फबीहा फातिमा। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडियन स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर जो पाकिस्तान में एक फेस्टिवल में आए और ना सिर्फ आए बल्कि इन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों की ही इंसल्ट कर डाली और लोगों ने इनके घुटनों में बैठकर तालियां बजाई जबकि अपने ही इंसल्ट करवा रहे थे। कुछ पाकिस्तानी अदाकारों ने इनके खिलाफ आवाजें बुलंद की कि इंडिया से पाकिस्तान का कोई भी मेंबर आता है तो उसे भरपूर तरीके से वेलकम किया जाता है, मगर ये मतलब हरगिज नहीं कि कोई भी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की तौहीन करके जाए। तो अदाकारों का इस पर क्या रिएक्शन था, वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल फबीहा फातिमा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जावेद अख्तर साहब आए हुए हैं पाकिस्तान एक फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए। मैं भी उनकी फैन हूँ, बड़े जबरदस्त लिरिसिस्ट हैं और कल ही मैंने उनकी एक पोस्ट देखी जिसमें लोग वाह वाह कर रहे हैं, खूब उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, कुछ ने तो घुटने पकड़े हुए हैं और कुछ बिल्कुल ऐसे अधमुए हुए हैं। और आज की पोस्ट जब मैंने देखी उनकी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो एज अ मेहमान हमारे मुल्क में आए हुए थे और उन्होंने बैठे बैठे उस पोडियम के ऊपर जो है इतनी कोई सही किस्म की बेइज्जती की, मीठी मीठी प्यारी प्यारी, और ये कहा कि जी वो जो बॉम्बे अटैक्स के जो वो थे लोग थे वो यहीं रोम अराउंड कर रहे हैं, हालांकि उनको फांसी भी दे दी। और मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो वहां पे बैठे तालियां इन बातों पे बजा रहे हैं। आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नाम की चीज है कि एक बंदा आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप लोग तालियां बजा रहे हैं? यार कुछ खुदा का खौफ करें। और जावेद अख्तर साहब को भी सोचना चाहिए कि वो मेहमान थे।